मोदी जी लगातार ये भाषण दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उनके ही लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में ये चलने वाला नहीं है नारा, सिर्फ यूपी झारखंड में ही चलेगा। देखिए, पहली बात तो देश में इस नारे की जरूरत है नहीं, हाँ। कि बटोगे तो कटोगे, हाँ। और दूसरी बात ये कि अभी एक भाई ने कहा कि न मोदी बढ़िया है न राहुल गांधी बढ़िया है, अपना कमाओ अपना खाओ। लेकिन हम जब 9th और 10th क्लास में होते हैं हम एक किताब पढ़ते हैं जैसे कहते हैं नागरिक शास्त्र, हाँ। और नागरिक होने की कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के तहत ये आता है कि हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछें, उन जिम्मेदारियों के तहत ये आता है कि हम सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछें, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। हम अपने लिए सोचें और हम बाकी के लिए भी सोचें, मॉरलिटी जो होती है, क्योंकि जब आप सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि आप 18 साल के हुए, आपको 18 साल बाद एक मौका मिला सरकार से सवाल पूछने का, तो इसका यह मतलब है कि जब आप युवा थे, इस देश में 65% आबादी जो है युवा है, और आपने ये सोचा, इसका यह मतलब है कि अगले साल आपके जैसे 65% आबादी वाले लोग ये सवाल पूछने से कतरा जाएंगे। बटोगे तो कटोगे कि इस देश में बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस देश को बांटा था अंग्रेजों ने। जब ये देश बटा हुआ था तो देश में 526 रियासतें थी, और जब ये देश यूनाइट हुआ तो ये देश एक भारत बनता है। जब ये देश बटा हुआ था तो इस देश में मुगल साम्राज्य अलग था, राणाओं का साम्राज्य अलग था, हैदराबाद का शासक अलग था, ठीक है, कश्मीर का शासक अलग था। लेकिन जब देश यूनाइट होता है तो कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है, जब देश यूनाइट होता है तो हैदराबाद भारत का हिस्सा बनता है, जब देश यूनाइट होता है तो गोवा भारत का हिस्सा बनता है, जब देश यूनाइट होता है तो देश की 526 रियासतें मिलकर एक भारत बनाती है, ठीक। तो बांटा किसने इस देश को? बांटा था अंग्रेजों ने, और किस पर्पज से बांटा था? सत्ता में शासन में बने रहने के पर्पज से बांटा था। आज भी कुछ अंग्रेज हैं, बस रूप बदल गया है, वो हमारे बीच से निकल कर आए हैं, शासन के अंग्रेज हैं, वो भी 10 साल से राज कर रहे हैं और बांट कर राज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके राज कर रहे हैं। देश को यूनाइट करके राज करना चाहिए, ठीक है, अगर राज करना है तो देश के हर तबके को समर्थन और सम्मान देकर राज करना चाहिए। इस देश में मोदी जी को 10 साल के बाद अगर ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि बटोगे तो तुम कटोगे, इसका अर्थ ये है कि 10 साल तुमने बांटा है, वरना नारा तो सिंपल था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, सिंपल नारा है, और ये प्राचीन नारा है, देश एक साथ यूनाइट था पहले से, इस देश में जनगण मन की धारणा है पहले से, देश का राष्ट्रगान देश को एक करने की बात करता ही है, ठीक। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो भाई मोदी जी इतने ज़्यादा चीज़ें ला रहे हैं तो अपने काम पे क्रेडिबिलिटी लें। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने नमामि गंगे योजना लाए, मोदी जी आदर्श ग्राम योजना लाए, सो स्मार्ट सिटी लाए, ठीक है, मोदी जी सड़कों का निर्माण करके लाए, लेकिन इन सब के बावजूद इतनी क्रेडिबिलिटी लेते हैं कि मोदी जी ने डंका बजा दिया विदेशों में डंका बज रहा है, मीडिया प्रशंसा कर रहा है, जगह जगह सपोर्टर मौजूद है, इसके बावजूद मोदी जी अपने काम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, ठीक है, मोदी जी अपने काम पर वोट नहीं मांग पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है उससे पुलिस वाला पैसा क्यों ले रहा है, जो कह रहा है कि उससे पुलिस वाला पैसा क्यों ले रहा है, वो तो बैंक से मेहनत का कमा रहा है ना, अच्छा अरे सर जब आपके तरफ माइक आया था विदेश गया, इससे आपको क्या मिला, अच्छा क्या आया, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मैंने एक्सपोज कर दिया एक मिनट में, यह भी करेगा अपने आप से मतलब रखो, और अभी समर्थन में आ गए मोदी जी के, ठीक, तो यही है इस देश की आइडियोलॉजी, ठीक। मौलाना जी बहुत गलत कह रहे हैं और मैं समर्थन नहीं करता उनका, बहुत गलत कह रहे हैं और मैं समर्थन नहीं करता उनका, ठीक है भाई, इन मौलानाओं को जेल में डाल दो, ठीक है, जो ऐसा कह मैं, ठीक, अब ठीक है, अब ये बात कह रहे थे भाई कि अपना अपना देखो, और अपना देखने की बात आए, जहां मोदी जी से 4 सवाल पूछे, ठीक, इनको बुरा लग गया, तो भाई देश आपको जवाब दे, बिल्कुल देना पड़ रहा है भाई, मोदी जी को जवाब देना पड़ा, जवाब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल दे रहे हैं, वो कह रहे थाली पीछो, थाली आके पीटते रहो बस, समझाओ वही जवाब दे रहे क्या ये भाई, ये सुनो, जवाब सुनो सुनो, अरे उससे होगा क्या, सुनो सुनो क्या कहना, देखिए मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस को पता है कि विकास की बात करके वो सत्ता में आ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए बांटने की बात करते हैं कांग्रेस वाले, बांट कर ही सत्ता में आ पाएंगे। भाई कांग्रेस ने तो नहीं कहा था बटोगे तो कटोगे, कांग्रेस ने नहीं कहा कि एक हो जाओ, ठीक, हाँ। भाई ये तो मोदी जी कह रहे हैं ना, शब्दों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है मोदी जी की मंशा से। मोदी जी इतना ज्यादा देश में सामर्थ्यवाद, बंधुत्व और भाईचारे की बात करते हैं तो बहराइच का दंगा क्यों हुआ इस देश में,
दिल्ली में राइट्स क्यों हुए इस देश में। और चलो छोड़ो इतने दंगे हुए, इतने दंगों के बावजूद देश का प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आके ये नहीं कहता है कि दो कम्युनिटी हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारा बना के कायम रखे, झगड़े नहीं, ठीक है, हम पहले इस देश के नागरिक है, बाद में हिंदू मुसलमान है, ऐसा कोई भाषण है क्या मोदी जी का? नहीं है ना। अगर मोदी जी वास्तव में इस देश में एकता की बात करते हैं, ठीक, तो इस देश में एकता के नाम आज तक एक मैसेज दिया। योगी जी की बात कर लो, यूपी के सीएम योगी जी के पूरे कार्यकाल को इमेजिन करो और योगी जी के फेस को इमेजिन करो, एक बयान और एक लाइन में एक स्पीच उनकी ये सुना देना जहां योगी जी ये कह रहे हो कि इस प्रदेश में ये प्रदेश हिंदू मुसलमान दोनों का है और हम चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े और हमें एक दूसरे से नहीं झगड़ना चाहिए। हाँ। ऐसा कोई बयान है क्या? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। मोदी जी की तो उपलब्धि ये है कि एक डासना में बैठा व्यक्ति यति नरसिम्हानंद जहाँ यूपी भारत के भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं उनको कह देता आतंकवादी है, ये उपलब्धि है मोदी जी की। अगर मोदी जी वास्तव में देश में भाईचारे की बात करें तो देश यूनाइट होता, आज प्रखंड और खंड खंड में लोग बटे हुए हैं। यूपी में कहते हैं योगी जी के शासन के बाद एक दंगा नहीं हुआ, देश में सबसे ज़्यादा ठीक है क्राइम रिपोर्ट जो है यूपी में नोट होती हैं, चुटपुट घटनाएं यूपी में नोट होती हैं धार्मिक, और दंगा ना होने के बावजूद हिंदू मुसलमान में इतनी नफरत है जितनी दंगों के बाद नहीं हुई। आज हर दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कल को सरकार बदले तो बताएंगे, ये किसकी उपलब्धि है? और पहला व्यक्ति ये सोच रहा है कि हमारी सरकार जानी ही नहीं है। तो ये मोदी जी ने और योगी जी ने ऐसी विचारधारा कायम करी है कि लोग सरकारों के अधीन आ गए। हिंदू मुस्लिम आपको सड़क पे नहीं मिलता है, हिंदू मुस्लिम मिलता है जब कोई झगड़ा हो जाता है तो थाने में देखने को मिलता है कि पुलिस किसके फेवर में बोलती है, जिसकी सरकार होती है। जब यादवों की सरकार होती है तो पुलिस यादवों के समर्थन में बोल देती है, जब मायावती की सरकार होती है तो पुलिस दलितों के समर्थन में बोल देती है। आज हिंदू की सरकार है तथाकथित हिंदू की, हालांकि वो रोजगार हिंदुओं को भी नहीं दे रहे, हालांकि वो शिक्षा हिंदुओं को भी नहीं दे रहे, लेकिन जब थाने में जाओगे तो पुलिस वालों के लिए आसान हो जाता है कि किस तबके से पैसा ज्यादा वसूला जाएगा, ठीक है, हालांकि शोषण सबका बराबर हो रहा है, लेकिन थाने में पुलिस वाले के लिए इजी हो जाता है कि किसका समर्थन करना है और कहां से प्रेशर आएगा ये भी क्लियर हो जाता है। मैंने थाना मैनेज होते हुए अपनी आंखों से देखा है यूपी के अंदर, मुझे अच्छे से पता है क्या होता है। और बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, ठीक है, देश में बात कर रहे हैं यूनिटी की, तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी कहें कि इस देश में हिंदू मुसलमान एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और मोदी जी कहें अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं देश में शिक्षा की क्रांति ला दूंगा। मोदी जी शिक्षा की क्रांति के लिए तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री आया था लाल बहादुर शास्त्री, उस टाइम पे देश में अकाल था, भुखमरी थी, उस व्यक्ति ने देश की अकाल की स्थिति को देखते हुए देश में ग्रीन रेवोल्यूशन करी, देश में अनाजों की बाढ़ आ गई, ठीक है, दूध की उत्पत्ति के लिए श्वेत क्रांति लागू करी, देश में दूध उत्पादन में देश नंबर वन पे पहुंचा, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया। मैं कह रहा हूं मोदी जी इन सब के तहत क्या कर रहे हैं? आज देश में बेरोजगारी है, रोजगार की क्रांति कब आएगी देश में? मेड इन इंडिया का जो शेर है वो छू हो गया, ठीक। मैं कह रहा हूं इस देश में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज वो एक लड़का आया ना, उसको पता नहीं है कि मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है, लेकिन वो उससे डिबेट करनी है। अगर यही व्यक्ति शिक्षित होता तो क्या होता? वो वाजिब सवाल करता देश की सत्ता से। मोदी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो जाते हैं, मोदी जी के शासन में मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो जाते हैं, मोदी जी के शासन में राजस्थान में स्कूल बंद हो जाते हैं, और ये सिर्फ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी बंद हो रहे हैं प्राइवेट खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश को तुम प्राइवेटेशन अमीरों का देश बनाना चाहते हो, गरीब को यहाँ पर कुचलना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ सरकारी संस्थाएं बंद कर क्यों रहे हो? गरीब आदमी अगर सरकारी स्कूल रहेगा तो गरीब आदमी बच्चे पढ़ा लेगा। दिल्ली में सरकारी स्कूल खुलता है, यूपी में बंद हो जाता है, क्या फर्क है? विचारधारा का ही तो फर्क है। यूपी के सरकारी स्कूल और दिल्ली के सरकारी स्कूल में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? अमेरिका का राष्ट्रपति की पत्नी जो है यहाँ दिल्ली के सरकारी स्कूल देखती है, और मोदी जी एक दिन के लिए जाते हैं, गुजरात में एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं मिलता जी मोदी जी एक दिन के लिए विजिट कर सकें, टेम्परेरी स्कूल बनाना पड़ता है। तो मोदी जी अगर वास्तव में देश में काम कर रहे होते तो देश की स्थिति और तस्वीर आज कुछ और होती। मोदी जी देश में काम नहीं कर रहे, काम के नाम पर प्रचार कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मोदी जी को अगर वास्तव में इस देश के लिए कुछ करना है, यकीनन इस देश के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना चाहते हैं, देश को कुछ समर्पित करना चाहते हैं और देश में कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो मोदी जी इस्तीफा दे दो, बहुत बड़ा योगदान होगा। अच्छा, पर ये जो नारा ये लगा रहे कि एक है तो नेक है, मोदी जी कह रहे हैं कि एक है तो नेक है, तो हम राष्ट्रहित का ही तो बयान दे रहे हैं, ये राष्ट्रहित में बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रहित में बोलना है तो मोदी जी जाएं, और मैं कह रहा हूँ राष्ट्रगान गाएं स्टेज से, और मोदी जी के साथ हम भी गाएंगे, ठीक है, राष्ट्रगान गाएं,
और संविधान की प्रस्तावना पढ़ें और आर्टिकल 15 पढ़ें। आर्टिकल 15 हमारा देश, ठीक, हमारे देश का आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, ठीक, रंग, लिंग के आधार पर, ठीक है, लोगों में भेदभाव नहीं करता। लेकिन तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री रात दिन हिंदू मुस्लिम का डंका बजाए बैठा है, रात दिन कार्रवाई और कानून का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिम के लिए करता है। तो भैया, अगर तुम्हें संविधान के आर्टिकल 15 की समझ नहीं है, ठीक, संविधान के, ठीक, समता के अधिकार की समझ नहीं है, देश में नागरिकों के मौलिक अधिकार की समझ नहीं है, तो कम से कम तुम्हें देश में बटोगे तो कटोगे बोलने का अधिकार नहीं है, तुम्हें देश में एक रहोगे तो नेक रहोगे बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि दोहरा मापदंड इस देश ने देखा जब हाथरस का कांड हुआ, दोहरा मापदंड इस देश ने देखा जब नासिर और जुनेद की हत्या हो जाती है, दोहरा मापदंड इस देश ने देखा जब पहलू खान की हत्या हो जाती है, दोहरा मापदंड इस देश ने देखा जब अखलाक अहमद की हत्या हो जाती है। इतनी मॉब लिंचिंग के बाद में भी देश के प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता, मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं आती, तो इस देश में तुम बटोगे तो कटोगे तुम्हें बोलने का अधिकार रहा भी क्या? बहराइच जैसा दंगा हो गया, तुम्हारी कोई संवेदना नहीं आती, तुम किसी के बर्थडे पे एक ट्वीट करने वाले कि जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो, तुम देश में दंगा हो जाता, तुम कह नहीं सकते कि देश यूनाइट रहे, बहराइच के लोग वोटे नहीं आपस में, भाईचारा कायम रखें, क्यों ऐसा बयान नहीं आता? पिछली सरकारों में भी दंगे होते थे, लेकिन पिछली सरकारों में दंगों के बावजूद नेता बैकफुट पर होते थे और नेता टीवी में अपील करते नजर आते थे कि जनता आपस में ना झगड़े। लेकिन अब दंगे होते हैं तो नेता बैकफुट पर नहीं होते, नेता धर्म के नेता बन जाते हैं और पॉपुलैरिटी में आ जाते हैं कि देखो हिंदू हृदय सम्राट की ताकत थी, ठीक है। तो भाई ये कार्रवाई हो गई एक पक्ष में, जबकि मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। फिर अगर वो मुख्यमंत्री बन गया तो उस व्यक्ति का भी मुख्यमंत्री है जिसने वोट दिया, और उसका भी है जिसने वोट नहीं दिया, उस समुदाय का भी मुख्यमंत्री है जिसने वोट दिया और जिसने वोट नहीं दिया उस समुदाय का भी मुख्यमंत्री है, उसके साथ उसको पक्षपात करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस देश में नारों के नाम पर, बुलडोजर एक्शन के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर रात दिन हिंदू मुसलमान हो रहा है, और फिर कह रहे हैं हम कहाँ कर रहे हैं। भैया साच को आज कैसी, सारा देश देख रहा है और देश का जन जन देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, रात दिन तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं आ रही। आर्टिकल 15 का रात दिन उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं आ रही है, तो तुम्हें कम से कम बोलने का अधिकार नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। जी अच्छा, राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने संविधान पढ़ा ही नहीं है कभी, इसलिए उनको कुछ मालूम नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस देश में संविधान पढ़ने से कुछ नहीं होगा, संविधान पढ़ने की नहीं समझने की चीज़ है। संविधान पढ़ा तो बहुत लोगों ने, और पढ़ने के बाद उसका दुरुपयोग भी बहुत लोगों ने किया। संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जानते हैं ऐसे ऐसे हमारे देश में पुलिसिया सिस्टम ऐसा है कि एक दरोगा चाहे, एक कांस्टेबल चाहे तो एक आदमी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, एक दरोगा चाहे तो एक आदमी के परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और वहाँ का एसपी एसएसपी चाहे तो उसके खानदान और पूरे मोहल्ले की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक आम आदमी के पास एक सिंगल अधिकार नहीं है कि वो पुलिस वालों को पलट के एक तमाचा भी मार सके, एक सवाल भी पूछ सके। तुम तो कहते हो ना कि 24 घंटे में जेलों में बंद नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर हो जाना चाहिए, चौकी में बैठा के नहीं रख सकते, लेकिन पुलिस वाले लीगली इनलीगली 24 क्या 48 घंटे तक लोगों को बैठा के रखते हैं, जाते ही मोबाइल जब्त करा लेते हैं, जाते ही गाली गलौज करते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का शोषण होता है, और किसका होता है? गरीब का होता है, पैसे वालों का शोषण नहीं होता, हमेशा गरीब का शोषण होता है, क्योंकि पुलिस वाला परखता उसके कपड़ों से, पुलिस वाला परखता उसके हुलिये से, अगर उसका हुलिया खराब है तो पुलिस वाला माँ बहन की गाली भी दे सकता है, लेकिन वही थोड़ा चश्मा लगाए अच्छा वेल ड्रेसअप दिखेगा तो पुलिस वाला तमीज से बात करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेल ड्रेसअप होगा तो एजुकेटेड होगा, एजुकेटेड होगा तो शिक्षा की पावर होगी, शिक्षा की पावर होगी तो सवाल पूछ सकता है, इसलिए इस देश में शिक्षा जरूरी है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री शिक्षा की बात नहीं करता, मुझे दुख है हमारा देश का प्रधानमंत्री ऑन स्टेज ऑन रिकॉर्ड डंकी की चोट पर झूठ बोलता है, और मुझे शर्म आती है अपने देश के प्रधानमंत्री पे कि वो देश में 10 साल के शासन के बाद भी, ठीक है, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, देश में रोजगार, व्यापार, कारोबार और शिक्षा की बात नहीं कर रहा। मुझे शर्म आती है कि हमने देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जिसका डंका विदेशों में तो बसता है, लेकिन यहाँ चुनाव के दौरान उसे अपने डंके की फिक्र नहीं रहती, वो अपने कामों को नहीं गिना सकता, उसे हिंदू मुसलमान करना पड़ता है।